हेलो जी, गुड आफ्टरनून गाइस। और बताएं कैसे हैं आप? मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। तो आज बन रहा है मटर पनीर पुलाव, तो उसके लिए क्या क्या लग रहा है? ये मैंने एक कप राइस लिया है, बासमती राइस है। आप सेला भी ले सकते हैं मटर पुलाव के लिए। तो ये राइस है, एक कप राइस लिया है, थोड़े मटर के दाने हैं, ये 100 ग्राम जैसे दाने हैं, और ये अदरक को मैंने पतला लंबा कट किया है, 150 ग्राम पनीर लिया है, 2 चिल्ली को मैंने सिसलेट में कट किया है, और ये 2 प्याज हैं, प्याज को लंबा लंबा कट किया है, नमक लगेगा। और मसाले बता देती हूँ। हाँ जी, तो मसालों के लिए मैं बता देती हूँ आपको। एक तेज पत्ता चाहिए उसके लिए, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, ये जावित्री का टुकड़ा है, 8-10 काली मिर्च ली हैं, 3-4 लौंग, 3 इलायची ली हैं, ये चक्रफूल लिया है मैंने, और नमक लगेगा स्वाद अनुसार। हाँ जी, तो एक ज़रूरी बात है, जब भी आप पुलाव वगैरह बना रहे हों तो उसको बहुत रगड़ के ना धोएं, हमेशा चावल को ऐसे ऐसे करके 2-3 पानी से अच्छे से धो लें, और धो के खाली 15-20 मिनट भिगाने हैं। लोग बहुत टाइम तक भिगा देते हैं, बहुत पुराने चावल हो तो आधा घंटा, वरना 20 मिनट तक भिगा देते हैं इसको, बाकी तैयारी कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए पैन में मैंने तेल डाल दिया है, सरसों के अलावा कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, राइस ब्रेन ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। सबसे पहले पनीर में थोड़ी सी नमक डालेंगे, वरना वो फीका फीका रह जाएगा, खाने के लिए फिर मज़ा नहीं आएगा। तेल हीट हो जाएगा, ज़्यादा हीट नहीं करना है। देखिए पनीर को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। क्योंकि मटर पनीर पुलाव बनाते हैं तो उसमें कच्चा पनीर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम डीप फ्राई नहीं करना है हमें। तो पनीर एकदम सूखा होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे छींटे उड़ेंगे आप और पनीर भी बिखर जाएगा पूरा। हाँ जी, तो देखिए पनीर एक तरफ से हो चुका है, मैंने पलटा दिया था उसको, और दूसरी तरफ से भी हो गया है। आई थिंक हल्का सा रोस्ट कर देंगे दूसरी तरफ भी, और ज़्यादा नहीं करना है इसमें। अभी इसको निकाल देती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ। हाँ जी, तो देखिए पनीर निकालने के बाद मैंने ये पानी लिया है, नॉर्मल पानी, और पनीर को इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होगा, बहुत ही नरम रहेगा। 2-4 मिनट के बाद पनीर को निकाल लेंगे और पनीर बहुत ही मॉइस्ट रहेगा, इसलिए ऐसा किया है मैंने। तो इसको साइड रख देती हूँ। ये तो ऑयल अपना गर्म ही है, तो अभी मसाला बना लेती हूँ। सबसे पहले सूखे मसाले डालते हैं। खड़े मसाले हल्के ऑयल में थोड़ा सा सोते करें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। अभी डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, जीरा भी तड़क गया है अपना। अदरक डाल देती हूँ। साथ में ही कटा हुआ प्याज डाल देंगे और हरी मिर्च। हाँ जी, तो प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई कर देंगे,
देखिए 5 मिनट हो गए हैं, प्याज अभी लाइट ब्राउन हो गया है। अभी इसमें मटर डाल लेती हूँ। नमक डाल देंगे अभी, मीडियम आंच पे इसको ढक के पका लूँगी 2 मिनट तक। हाँ जी, देखिए तो 2 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं मटाना पका। हाँ जी, मटर तो भून चुके हैं, अभी मटर भून चुके हैं, अभी डाल देती हूँ राइस। राइस को हमें भूनना नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे पलटाना है, वरना क्या होता है हम बहुत सारा भूनने लग जाते हैं और ये टूट जाता है राइस। जिस कटोरी से मैंने माप किया था उसी कटोरी से मैंने इसको 1.5 से थोड़ा प्लस मतलब कि 1.25 कटोरी पानी लिया है। अब डाल देते हैं पानी इसमें। अभी मीडियम हीट पे इसको एक बार गर्म होने तक देंगे और उसके बाद में ढक देंगे इसको। हाँ जी गाइस, एक बात और बताना चाहती हूँ कि राइस में जब भी नमक डालें, नमक के बाद में ऐसा थोड़ा सा हल्का सा ज़रूर टेस्ट करें कि नमक उसमें जो नमक बैलेंस्ड है तो इसका मतलब नमक कम हो जाएगा। थोड़ा सा और डालें जो नमक थोड़ा तीखा लग रहा है, यानी कि नमक बराबर है। तो अपना नमक एकदम सही है, इसलिए अब मैं ढक रही हूँ और पका लेते हैं अभी। हाँ जी गाइस, तो ये थोड़ा सा बॉयल होने लगे हैं, मैं चेक कर रही हूँ। अब इस बीच में मैं आधे नींबू का रस इसमें डाल दूँगी, इससे अपने दाने बहुत ही खिले खिले राइस बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। हल्का सा हिला देते हैं इसको। हाँ जी गाइस, मटर पुलाव बन रहा है तो साथ में रायता तो बहुत ज़रूरी है। तो रायता मैं कैसे बनाती हूँ, बूंदी का रायता, वो आपको बता रही हूँ कि रायते को बहुत टेस्टी बनाना है तो क्या करें। पहले जो आपका दही थिक है थोड़ा सा बतला करें उसको, थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। 1 पाव दही है, यानी कि 250 ग्राम दही, तो उसमें आधा कटोरी तक मैंने पानी डाला है। सबसे पहले डाल लूँगी नमक, डाल दूँगी। और गाइस, ये किसी भी शक्कर है, आप खड़ी भी ले सकते हैं। तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा शुगर भी डालूँगी, से टेस्ट भी बैलेंस्ड रहता है इसमें। और ये देखिए मेरे पास पुदीना के सूखे पत्ते हैं, इनको ब्रश करके डाल लूँगी। अभी डाल रही हूँ बूंदी। बहुत सारे लोग इसको पानी में भिगा के डालते हैं, मैं ऐसे ही डालती हूँ। ऐसे कुरकुरी बहुत ही पसंद आती है। और साथ में ही मैंने 1/2 ऑनियन कट के रखा है इतने में, तो उसको डालूँगी, बहुत ही बढ़िया लगेगा ये। अभी डालते हैं इसमें ये भुना ज़ीरा पाउडर डालूँगी ढेर सारा, बहुत ही बढ़िया लगेगा इसमें। और हरी मिर्च कट करके डालना चाहें तो डालें आप। और इसमें हल्की लाल मिर्च डालूँगी और थोड़ी काली कुटी मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और अभी इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे। अभी हरा धनिया थोड़ा सा तोड़ के डालूँगी मैं। लीजिए, अपना डिलीशियस रायता तैयार है, बूंदी रायता। ऐसे बनाती हूँ बूंदी रायता, बहुत ही स्वाद बनता है, बहुत ही टेस्टी, पुलाव के साथ बहुत ही बेस्ट लगता है। और अभी पुलाव को देख लेते हैं।
हाँ जी, तो देखिए 8 मिनट हो चुके हैं, अभी अपना पुलाव देख लेते हैं। पुलाव को हमेशा साइड से चेक करें, देखिए कितना खिला खिला पुलाव बना है अपना। अभी इसमें डालती हूँ एक चम्मच घी डाल देती हूँ, देसी घी है ये, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार हो जाएगा अभी ये। और इसी बीच में डाल लेते हैं पनीर, पनीर पीसेस डाल देती हूँ अभी। थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे इसको। अभी गैस को कर देते हैं बंद और इसको 2 मिनट बाद ढक के खोलें, टेस्ट उसका एनहांस हो जाएगा। तो गाइस, ये थी मेरे मटर पुलाव की रेसिपी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। और देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया पुलाव है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, देखिए अपना मटर पुलाव रेडी है और ये इतना अच्छा खिला खिला बना है, देखिए ज़रा भी टूटे नहीं है अपने राइस। और हम अभी इसको रायते के साथ खाएंगे, ये देखिए, और कलर भी इतना अच्छा है। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नए दिन नई शुरुआत के साथ में। ओके गाइस, बाय बाय, हैव ए गुड डे। ये देखिए तो अपना मटर पनीर पुलाव रेडी है, रायता भी रेडी है और आंवले का अचार के साथ खा रही हूँ। विंटर की जान है ये। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए।